हाथरस में हुए मनीषा हत्याकांड से सारा देश आक्रोशित है। जगह जगह मनीषा को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सोमवार को नागपुर के लॉ कॉलेज चौक में भी जस्टिस फॉर मनीषा के नाम से कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए शर्मनाक मामले को बढ़ावा दे रहे राजनीतिक नेताओं के खिलाफ यहाँ आंदोलन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस नागपुर विभाग के अध्यक्ष प्रफुल्ल पेंदाम कर रहे थे। यूपी के हाथरस में हुए मनीषा बलात्कार के मामले को न्याय दिलाने के लिए नागपुर के लॉ कॉलेज चौक पर कैंडल मार्च आंदोलन निकाला गया। इस आंदोलन में बलात्कार मुक्त भारतीय क्रांति की तरफ से विविध मांगे की गई। अगर ये मामला यूपी सरकार से हैंडल नहीं होता है तो इसे महाराष्ट्र सरकार को सौंपने की भी मांग की गई। सिर्फ डर ही इन्हें रोक सकता है, ऐसे नारेबाजी के साथ ही इस आंदोलन को पूरा किया गया। इस आंदोलन को और प्रोत्साहित बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष प्रफुल्ल पेंदाम के साथ बलात्कार मुक्त भारतीय क्रांति के सहयोगी आशीष हिंगवे, प्रशांत घोड़ेश्वर, गणेश कोडाम्पे उपस्थित थे। साथ ही वैभव शिंदे पाटिल, मधुकर कुकड़े, सिटीजन फोरम फॉर एक्टिविटी, गिरीश पांडे, हॉस्पिटल इंडस्ट्री एसोसिएशन आदि मान्यवर शामिल थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, NBC न्यूज के लिए।